सोलन के चंबाघाट में देर रात बाइक और कार की टक्कर हो गई। दुर्घटना में बाइक पर सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सोलन क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार देने के बाद दो युवकों की हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें IGMC शिमला रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार कार चालक काफी रफ्तार में था और चालक सामने से आई कार को देखकर बाइक सवार हड़बड़ाहट में नियंत्रण खो गया और कार से जा टकराया। वहीं अधिक जानकारी देते हुए DSP अमित ठाकुर ने बताया कि जिस कार से बाइक की टक्कर हुई है, उस कार के पीछे आ रही कार चालक ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि तीन युवक घायल अवस्था में थे, जिन्हें सोलन के अस्पताल लाया गया, जिनमें से दो घायलों को IGMC शिमला रेफर कर दिया गया है। वहीं कार चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। पिछली रात 1:30 बजे के करीब रोहित शर्मा जी ने फोन करके पुलिस को इंटीमेट किया कि चंबाघाट रेलवे फाटक के पास एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ने सामने से आती बाइक को टक्कर मार दी है। इस पर पुलिस टीम मौका पर पहुंची और मौका पर जाके देखा कि बाइक पर तीन लोग सवार थे, जिनको टक्कर की वजह से चोटें आई हैं, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। दो बाइक सवारों को IGMC रेफर किया गया है और इस सारे मामले में स्विफ्ट डिजायर के ओनर के खिलाफ जो है एक एक्सीडेंट का मुकदमा रजिस्टर किया गया है और आगामी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन जारी है।